Hello everyone, welcome to AriserTalent. Numbers have life, they are not just symbols on paper. Kiska kote? I, Arpita Sharma, welcomes you all to AriserTalent, which is India's fastest growing e-learning platform. So, is cot ka matlab pata chala aapko kisne ye cot diya hai? Pata hai aapko ye cot kisne diya hai? Agar cot ka aapko pata hai ki ye quotation kisne diya hai, to aap samajh to gaye honge ki hum kya baat karne wale hain. हाँ, ओके तो अगर आप समझ गए हैं तो वेल एंड गुड, आप नहीं समझे तो आप समझ जाएंगे. लेकिन क्या हमारा इंटरेक्शन हो चुका है? फर्स्ट इंटरेक्शन अगर मेरा आपसे ये है तो सबसे पहले तो पॉज कीजिए इस वीडियो को, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए जिससे कि नोटिफिकेशन आपके पास आएंगे और सारी जो अपडेट्स होंगी आपकी एजुकेशन से रिलेटेड, जो न्यू अपडेट्स होती हैं वो भी आपको पता चलेंगे. ओके सो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है अभी अपकमिंग मूवी जो रिलीज हो रही है, शकुंतला देवी. इस बारे में शकुंतला देवी ह्यूमन कंप्यूटर अभी बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग में है और आप लोगों ने देख लिया होगा इसका जो एडवर्टाइजमेंट्स आ रहे हैं, जो इसके प्रोमोज आ रहे हैं, व्यूज़ आ रहे हैं, रिव्यूज़ आ रहे हैं, वो सब आप लोगों ने बिल्कुल देख लेंगे. मुझे पता है आपने देख लेंगे और मैंने भी देख लिए हैं एंड आई एम अ मैथ्स टीचर. सो मैं बहुत एक्साइटेड हूँ इस पर्टिकुलर मूवी को लेकर और मेरी तरफ से तो थम्स अप है. मैं तो इस मूवी को देख रही हूँ, आप लोग देख रहे हैं? अगर आप लोग देख रहे हैं तो कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए. अगर मैं पहले देखती हूँ मूवी को तो मैं रिव्यू दूंगी और अगर आप पहले देखते हैं मूवी को तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में रिव्यू देंगे. राइट, तो रेस्ट ऑन है. ओके तो आज हम लोग बात करने वाले हैं शकुंतला देवी पे. शकुंतला देवी जी को ह्यूमन कंप्यूटर कहा जाता था. गाइज वो क्यों कहा जाता था? क्योंकि 23-22 डिजिट्स तक के मल्टीप्लिकेशन, रूट्स, ये सब ऐसे चुटकियों में ये हल कर देती थी. पता नहीं कैसे, मतलब गॉड गिफ्ट है, ये भी बोलती थी कि गॉड गिफ्ट है शायद मेरे पास, मुझे मतलब गॉड गिफ्ट है. और हाँ, हम लोगों के बीच में अब नहीं है ये. 83 ईयर्स समथिंग इनकी लाइफ रही और 2013 में हार्ट डिसीज इनको हो गई थी. अपनी बेटी के साथ थी उस टाइम पर ये, और एक बेंगलुरु की ब्राह्मण फैमिली में जन्मी थी. एक बहुत ट्रेडिशनल फैमिली में जन्मी थी और बहुत ही नॉर्मल सर्कमस्टेंस, मतलब नॉर्मल से भी आप नीचे ही मान सकते हो, क्योंकि इनके जो फादर थे वो सर्कस में काम करते थे. और बहुत जब ये छोटी थी, जब 6 साल की थी ना, उसी टाइम पर इनके फादर ने एक्नोलेज कर दिया. आपको पता है वैसे भी जो गर्ल्स होती है ना उनका ज़्यादा ध्यान पापा ही रखते हैं, तो वो जो पापा की जो परी थी ना ये, उन्होंने क्या किया कि 6 साल की उम्र में ही अपने फादर को ये जता दिया था कि कितना इनके अंदर टैलेंट है. ओके कितना, मतलब मैथ्स की बहुत ऐसे जटिल समस्याएं जो होती है ना उनको भी ऐसे चुटकियों में ये सॉल्व कर देती थी. इवन ऐसा कहा जाता है कि कार्ड्स खेल रहे थे इनके फादर के साथ, कार्ड्स खेल रही थी और बहुत छोटी एज में इन्होंने हैरान कर दिया क्योंकि सारी बाजियाँ जीत रही थी. क्यों जीत रही थी? अपनी कैलकुलेशंस की वजह से. इसके बाद यूरोप में और भी दूसरे कंट्रीज़ में, अमेरिका में इनको इन्विटेशन मिला. क्यों मिला? कि वहाँ पर आके ये अपने आप को साबित करें और गिनीज बुक में इनका नाम है गाइस. ओके वहाँ पर भी इनका नाम है. क्यों नाम है? क्योंकि इन्होंने जो कैलकुलेशंस थी, बड़ी बड़ी कैलकुलेशंस, वो बिना किसी कैलकुलेटिंग डिवाइस के करी, वो भी उस ज़माने में. अभी तो आपके पास फिर भी ये जो मोबाइल हैं, मोबाइल में भी आप अगर 22-23-24 डिजिट लेने करने चाहोगे इसको कंप्लीट, तो ये आपको कोई प्रॉपर आंसर नहीं देगा. लेकिन उस टाइम पे जब कंप्यूटर्स भी नहीं थे इतनी फास्ट कैलकुलेशन के लिए, उस टाइम पर ये उनका लेवल था. आप सोचिए उस टाइम पर उनका ये लेवल था और इस वजह से इन्होंने काफ़ी ज़्यादा ख्याति पाई थी पूरे वर्ल्ड में. और वैसे तो इनका पॉलिटिकल कैरियर भी रहा है और इनकी जो मूवी है उसमें पर्सनल और प्रोफेशनल दोनों के बारे में बात की गई है. तो बहुत ज़्यादा जानकारी मैं आपको नहीं दूंगी, वो आपको थोड़ी मूवी भी तो देखनी पड़ेगी ना. मूवी तो आप देखोगी तो आपको बहुत सिस्टमेटिक वे में उनकी जो लाइफ है, और वैसे भी ऐसा है मैंने सुना है कि फ्लैशबैक में चलती है, फिर उसके बाद वापस से उस प्रेजेंट टाइम में जाती है, फिर थोड़ा सा पीछे जाती है, तो इस तरह के सिनेरियोज हैं इसमें. ठीक है, तो ये भी देखना इंटरेस्टिंग होगा. विद्या बालन की मूवी है, एंटरटेनमेंट तो इसमें होगा ही, तो इस बारे में मैं श्योर हूँ कि ठीक है, अच्छा रहेगा. और अगर आपने हमारी वेबसाइट को विजिट नहीं किया है, क्योंकि टॉकिंग अबाउट मैथ्स डाउट बहुत आते हैं, तो डाउट अगर आपको क्लियर करना है तो डाउट क्लियरिंग पैनल है. ठीक है, अगर आपको डेमो लेक्चर्स देखने हैं तो डेमो लेक्चर्स है, वो भी कोटा की बड़ी अच्छी अच्छी फैकल्टीज़ के साथ हमारे डेमो लेक्चर्स वहाँ पे वेबसाइट पे अवेलेबल हैं. काफ़ी एक्सपीरियंस्ड, हाईली एक्सपीरियंस्ड फैकल्टीज़ के कोटा के डेमो लेक्चर्स आपको अवेलेबल हैं, वो आप विजिट कर सकते हैं.
प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर गाइज वो आपको मिल जाएंगे, फ्री क्वेश्चन पेपर, सैम्पल पेपर्स आप देख सकते हैं, एनालाइज कर सकते हैं कि आपकी जो परफॉर्मेंस है वो कैसी है, ठीक है। तो ये सब तो हमारी हो गई साइट की बात, और आप अगर विजिट नहीं किए हैं उस साइट पर तो विजिट कीजिए, आपको देखने को मिलेगा उसमें कुछ नया नया, इसलिए क्योंकि कंटेंट वाइज बहुत ज़्यादा अच्छा है वो, आप देखिए, विजिट कीजिए, मुझे बताइए आपको लेक्चर्स कैसे लगे। ओके स्टूडेंट, तो ये हमारी बात हुई, एक तो शकुंतला देवी जो मूवी है उसकी बात हमने करी, दूसरी बात हमने हमारी वेबसाइट की बात करी, और तीसरी बात हम ये करते हैं कि जो हम इनकी जो लाइफ पर थे, जो हम बात कर रहे थे कि इनकी जो पहले वाली लाइफ थी, पहले वाली लाइफ जब इनको इतना एक्नॉलेजमेंट नहीं मिला था, तो बहुत नॉर्मल लाइफ थी, तो हर्डल्स इनके लाइफ में काफ़ी आए। तो जब भी अब आपकी लाइफ में हर्डल्स आएंगे तो आप क्या करेंगे, जब आपकी लाइफ में हर्डल्स आएंगे तो आप उनको मजबूती से उसका मुकाबला करेंगे, क्योंकि देखो सारे के सारे जितने भी ऐसे लोग होते हैं, बड़े बड़े लोग आपने देखा होगा, सबकी बायोपिक देखी होगी, ये भी बायोपिक है, तो इनमें स्ट्रगल्स आते हैं, लेकिन ये क्या करते हैं, हार नहीं मानते, हार नहीं मानते, और दे विल गेट सक्सीड। तो ये फॉर्मूला है आपके सक्सेस का, तो ये मोटिवेशनल मूवी है, इसलिए बच्चों मैं कह रही हूँ आपको ये मूवी देखनी चाहिए, क्योंकि मोटिवेशनल टाइप है, तो इससे आप थोड़ा मोटिवेट हुई है। और अगर मैथ्स की आपकी थोड़ी सी उलझन रहती है, जो उलझन को सुलझाने के लिए हम क्या करेंगे, हम लेक्चर्स देखेंगे, और मैथ्स को हम 11th, 10th, 9th, 8th, यू नेम इट, ओके, यू नेम द क्लास, और वो डेमो लेक्चर्स और एक्चुअल लेक्चर्स आपको अवेलेबल होंगे, वो भी आप देख लीजिए। तो इन सारी की सारी बातों को कंक्लूड करके मैं आपसे ये कहना चाहती हूँ कि आप क्या करें, एक तो ये मूवी देखें, और एक और वर्ड मैं आपको देना चाहूँगी, एक और वर्ड, आप शकुंतला देवी को इसके पहले जानते थे, मूवी आई उसके पहले शायद नहीं जानते थे, ठीक है। तो एक और वर्ड मैं आपको देती हूँ, मैत्री, इनको भी सर्च कीजिए, इनको भी सर्च कीजिए, अगर यू टॉक अबाउट दिस तो इनको भी सर्च कीजिए आप, इनको भी आप जब सर्च करेंगे ना तो आपको बहुत इंटरेस्टिंग बातें पता पड़ेंगी, हमारी एंशियंट वर्ल्ड में भी कितनी सुपर्ब लेडीज़ हुआ करती थी, ये आप देख सकते हैं। तो ये बताइए मुझे कैसा लगा आपका सेशन, ये जो हमारा सेशन था ये कैसा रहा, इसके बाद और भी कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिसको अगर आप देखना चाहेंगे, जिनके बारे में अगर आप हमसे बात करना चाहेंगे तो बताइए। और अभी एजुकेशन सिस्टम को लेकर एक अपडेट आया है गाइस, वो भी आपको अगर पता लगाना है क्या अपडेट्स हुए हैं, किस तरह से पैटर्न में बदलाव आ गया है, सिलेबस रिडक्ट हुआ है, वो भी आप क्या कीजिए उसके लिए, बेल आइकन आपको दिख रहा है तो उसे दबाइए, उससे क्या होगा, नोटिफाई होगा आपको, हर अपडेट मिलेगा, और वो भी टाइम पर मिलेगा, ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन मिलेगी, ऐसा नहीं इधर देख के उधर देख के कन्फ्यूज़ हो रहे हैं, ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगी। तो आप इसे लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और शेयर भी कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, ओके। तो इस इंटरेक्शन में तो इतना ही, आप मुझे बताइए अगले इंटरेक्शन में अपन किस टॉपिक पर बात करते हैं, ओके, बाय बाय, टेक केयर।